और यहाँ पर मैंने अपना जो घर है उसमें प्लैंक्स का जो काम है वो तो सारा कंप्लीट कर दिया है। बस थोड़े बहुत यहाँ पर ऊपर की साइड में प्लैंक्स लगने बाकी है, थोड़ा इधर की साइड में यहाँ पर प्लैंक्स लगने बाकी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं दोबारा से रेंच सिम्युलेटर। और यार मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों सो के इंट्रो दे रहा हूँ, मेरा मन कर रहा था मैं कुछ अलग ट्राई करूँ, लेकिन ये मुझे दिख गया तो मैंने सोचा यार यही ट्राई करते हैं। बट लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने ये वाला टावर यहाँ पर बनाया था, तिरंगा टावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और अपने इस वाले गैराज पर भी पेंट कर दिया था। बट आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक प्यारा सा घर बनाया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यार इसी तबेले में सो रहा हूँ, ये जो टेंट है मैं इसमें ही सो रहा हूँ, और काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइक जब से मैंने गेम स्टार्ट किया है खेलना तब से यार मैं इसी में सो रहा हूँ। और मैंने अपना घर बना दिया लेकिन घर में एक बेड तक नहीं बनाया भाई, देख रहे हो कितनी ज़्यादा गरीबी आ चुकी है। लेकिन ये वाला घर जो बनाया था इसको भी आज तोड़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक घर बड़ा बनाना है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और वो बनाएंगे हम पीछे की साइड में। और ये वाला रोड तोड़ूंगा और ये वाला बान हाउस, वैसे बान हाउस सही है, अभी क्या बनाया था मैंने, ये पार्क बनाया था मैंने, ताकि अपने पिग और अपनी गाय और बकरियां वगैरह यहाँ पर टहल सके, खाना वगैरह उनका हजम हो जाए। और एक बारी मैं देखूँ तो यहाँ पर शहद वगैरह इकट्ठा हो सकता है क्या। हाँ बाहर चला जा बेटा, गोली वोली मार दूंगा, खामा खा के मर वर जाएगा। यहाँ पर देखते हैं शहद इकट्ठा हो चुका है तो क्यों ना इसको कलेक्ट किया जाए। ये स्मोकर ऑन कर देते हैं और फटाफट से यहाँ पे प्लेट उठा लेते हैं। वैसे यार काफ़ी टाइम हो चुका है मैं ना यहाँ मधुमक्खी ढूंढने भी नहीं गया, क्योंकि एक तो यार मिलती नहीं है, बहुत ढूंढना पड़ता है उनको। ये लास्ट टाइम मैं 3 मधुमक्खी उठा के लाया था, इसको उठा के दोबारा से लगाया जाए, अभी इसमें कलेक्ट होने लग चुका है। तो लास्ट टाइम मैं 3 ये प्लेट लेकर आया था मधुमक्खी की, तो अभी पता नहीं मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो किसी दिन यार चलेंगे मधुमक्खी वगैरह ढूंढने, बट आज अपन को काफ़ी सारा काम करना है, क्योंकि आज अपने को एक घर बनाना है अपने लिए। और देखो यार यहाँ पर मैंने इतने सारे बैरल इकट्ठे कर दिए हैं शहद वगैरह भर के, लेकिन यार शहद का भी ऑफर चलता होगा, शहद से भी हम कुछ या फिर बना सकते हैं, एक बार ही देखेंगे शहद से भी हम कुछ बनाएंगे या फिर नहीं। चलो यहाँ पर मैंने सारा निकाल लिया है, इसको फटाफट से ओपन कर दिया है, और सारी मधुमक्खी की क्रेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि इनमें दोबारा से शहद इकट्ठा हो सके और हम यहाँ पर दोबारा से शहद निकाल सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दिया है, अभी फटाफट से ये वाला घर तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और एक नया घर यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि मैं बनाऊंगा वहाँ उधर की साइड में जहाँ पे अपने दादाजी का पहले घर था, वहाँ पर बनाएंगे। फटाफट से निकालते हैं अपनी क्रोबार और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको तोड़ना। वैसे मैं नीचे से तोड़ता हूँ, क्योंकि नीचे से अगर मैं तोड़ूंगा तो ऊपर से ऑटोमेटिक यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको तोड़ते हैं, ओके, पहले ये वाला गेट हटाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर से तो ऑटोमेटिक टूट ही जाएगा, ऊपर की छत तो यहाँ पर टूट ही जाएगी। ये वाला तोड़ो, ठीक है, देखो ऊपर से तो अपने आप ही टूट जाएगा। वैसे यार ये वाला घर मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा से बनाएंगे एक प्यारा सा घर। लेकिन अभी तो मैं किताब से देखकर बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार जो किताब वाला हाउस होता है उसमें यार हम टीवी वगैरह और पैड वगैरह भी आ जाता है, और उसमें एक किचन भी आता है जिसमें हम अपना हल्का फुल्का यहाँ पर काम चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज हमने अपना पुराना घर तोड़ दिया है, और ये काफ़ी सारे प्लैंक्स भी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, तो एक काम करते हैं फटाफट से ना ये वाला रोड भी मैं तोड़ देता हूँ। ये कैसे बच गया बे, फटाफट से इसको भी हटाओ, ओके, और ये भी हटाओ, और यहाँ पर ये छोटी वॉल भी हटा देता हूँ मैं, और ये वाला रोड भी मैं तोड़ देता हूँ यार, क्योंकि यार यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं अपने हॉर्स का एक सर्कल, जिसमें अपना हॉर्स यहाँ पर अच्छी तरह से रन कर सके और उसको ट्रेनिंग वगैरह दे सके हम। और ये सारे पिग बाहर जाए तो एक काम करते हैं, इनको यहीं पर ना मार दूँ मैं, वरना एक एक को मुझे और कहीं से उठाकर लाना पड़ेगा। फटाफट से अपनी बंदूक यहाँ पर रिलोड करते हैं, और सारे पिग मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, जितने भी इस वाले बान हाउस में पिग है बकरी है सब होने वाली है यहीं पर ख़त्म, कोई भागेगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं भागेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी वे कहाँ 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 चले, कहाँ चली बारात, इधर भी ओ तुम जाओगे परदेसी छोड़ के नहीं जाना। आज सबकी कुटाई है, आज सबकी कुटाई है, गया और ये भी गया, और ये भी गया, नहीं गया, अब गया ना,
ठीक है, आज सबकी कुटाई है यार। मुझे इनको पहले मारना चाहिए था, ये सारा पोर्क एक जगह इकट्ठा हो जाता। अभी चार पिग रह चुके हैं, बाहर कैसे निकल के जा रहे हैं वे? मौत से डर नहीं लगता तुमको वे? मौत से डर नहीं लगता क्या? ये दो यहाँ पर रह चुके हैं, चलो खेल लो, तुमको नहीं मारूंगा मैं। चलो यहाँ पर हमने ये वाला बान हाउस, यार मैं बान हाउस की बोल रहा हूँ इसको, ये वाला पार्क भी मैंने तोड़ दिया है। और यार ये जो मैंने मधुमक्खी का यहाँ पर घर बना रखा है ना, इसको भी मैं अलग से बनाऊंगा, एक अलग से पूरा मधुमक्खी का घर होने वाला है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिए थे, क्योंकि यार मधुमक्खी आसानी से मिलती नहीं है, और मिलती है तो दो चार ही यहाँ पर मिलती है, उससे ज़्यादा तो मिलती नहीं, तो ज़्यादा बड़ा बनाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं था। अबे यार मैंने एक वो नीचे का फाउंडेशन तोड़ दिया, और ये सारा अपना मधुमक्खी का घर भी यहाँ पर टूट गया। तो एक काम करता हूँ, मैं ना एक मधुमक्खी का घर यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे अपनी मधुमक्खी का शहद वगैरह आराम से इकट्ठा हो सके। ठीक है, हाँ ये रहा इसका घर, एक बनाया जाए यहाँ पे। ठीक है चलो, इसमें मैं प्लैंक्स वगैरह लगा देता हूँ फटाफट से। यार मैंने गलत सीन कर दिया, ये मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था, एक नीचे का फाउंडेशन नहीं तोड़ना चाहिए था, अपनी मधुमक्खी का घर यहाँ पर बेकार में ही टूट गया। ठीक है, अब इसमें एक प्लैंक सोल लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर दो मेटल लगेंगे, एक मेटल ये पड़ा, फटाफट से इसको भी लगाओ। अरे तू कहाँ जा रही है, चल तू अंदर चली जा, जा यहाँ पर खाना पानी खा लेगी तू, तेरा घर मैंने वहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे घूम रही है। ठीक है, इसको फटाफट से यहाँ पर मैं सारी ये करेटे लगा देता हूँ। कहाँ गई? हाँ एक प्लेट ही। ओ तेरी यार, गलत सीन कर दिया, पहले ये ऑन करना चाहिए ना। ठीक है, अभी उठाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ओके, एक लगाई हमने, और फटाफट से दूसरी में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट रह चुकी है, तीन ही करेट है हमारे पास, और तीनों ही यहाँ पर लग चुकी है। चलो यहाँ पर तीनों लग चुकी है, अब ये शहद वगैरह इकट्ठा हो जाएगा। तो चलो अभी फटाफट से मैं घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। वैसे अपना घर देखा जाए तो मैं इधर की साइड में बनाने वाला हूँ, यहाँ पे बनाया जाएगा अपना एक प्यारा सा घर, इधर की साइड में अपना गैराज हो जाएगा, और यहाँ पे अपना काव बान हो चुका है, और यहाँ पे हो जाएगा एक मस्त प्यारा सा घर। फटाफट से अपनी बुक निकालते हैं, तो अभी यहाँ पर अपना घर देखा जाए। घर हाँ ये रही नहीं, ये तो चिकन कोप है, चिकन कोप में रहूंगा क्या मैं? ये शायद से अपने घर है, हाँ ठीक है, ये रहे अपने फार्म हाउस। और सबसे बड़े वाला यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसा रहेगा? ये तो यार छोटा सा है, ये तो छोटा सा है, ये वाला काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो अभी मैं ये वाला बनाने वाला हूँ, और इसको बनाते हैं हम एक बारी, मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बना दिया है, और यार ठीक तो लग रहा है, बट ये थोड़ा पास में हो चुका है, और मुझे थोड़ा दूर बनाना है। यार यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बढ़िया जगह लग रही है मुझे, अपना घर बनाते हैं यहाँ पे। ओके चलो, ये बनाया हमने यहाँ पर अपना घर, और ये यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। वैसे इसमें क्या क्या लगने वाला है? ओके, तो यहाँ पर प्लैंक्स लगने वाले हैं 64, और कॉन्क्रीट लगने वाला है 365, और मेटल लगने वाला है 140। प्लैंक्स तो हमारे पास काफी सारे पड़े हुए हैं, तो प्लैंक्स तो मैं यहाँ पर फटाफट से लगा देता हूँ। वैसे यार मुझे लग रहा है ना यहाँ पर रात होने वाली है, तो मुझे फटाफट से ये काम कम्प्लीट करना होगा। पहले ऊपर का ये प्लैंक्स वगैरह का मैं कम्प्लीट कर देता हूँ, फिर यार चलेंगे हार्डवेयर स्टोर, वहां से लेकर आएंगे कंक्रीट वगैरह। ठीक है, अभी ये मैंने ऊपर का थोड़ा बहुत तैयार कर दिया है। वैसे यार काम करते करते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर आके सो गया था, बट अभी एक और प्यारी सी सुबह हो चुकी है, तो अभी पहले काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पर मैं इनका खाना पानी कर देता हूँ फुल, उसके बाद अपना घर का काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलो, मैंने इनका खाना पानी खाना तो कर दिया फुल, और फटाफट से मैं पानी भी कर देता हूँ फुल। ओके, और यहाँ पर मैंने अपना जो घर है उसमें प्लैंक्स का जो काम है वो तो सारा कंप्लीट कर दिया है, बस थोड़े बहुत यहाँ पर ऊपर की साइड में प्लैंक्स लगने बाकी है, थोड़ा इधर की साइड में यहाँ पर प्लैंक्स लगने बाकी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें मेटल वगैरह और कंक्रीट वगैरह लगाना चालू करूंगा। तो अभी ये कंप्लीट हुआ और ये कंप्लीट हो चुका है। चलो यहाँ पर मैंने प्लैंक्स का काम तो कंप्लीट, एक ये बचा है, हाँ ठीक है शायद से अब कंप्लीट हो चुका है। हाँ तो चलो, मैंने यहाँ पर सारा प्लैंक्स का काम तो कंप्लीट कर दिया है, फटाफट से इसको यहाँ पर रखो, और अभी इसमें कंक्रीट और मुझे मेटल लेकर आना है 140, तो उसके लिए लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी। ठीक है, तो अपनी ये वाली गाड़ी लेकर चलते हैं, ये पेंट के डब्बे ना मैं इस साइड में यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, एक गाय अपनी यहाँ पर घूम रही है मस्त आराम से, चलो शायद से ये सारे पेंट के डब्बे उतर चुके हैं, और अभी फटाफट से अपनी गाड़ी उठाते हैं। और शायद से कॉन्क्रीट वगैरह हार्डवेयर स्टोर पर ही मिलता है, जनरल स्टोर पर तो नहीं मिलेगा, तो हार्डवेयर स्टोर पर ही चलते हैं।
ओके, तो चलो हम हार्डवेयर स्टोर भी आ चुके हैं। और लास्ट टाइम भाई इस वाले भालू ने मुझ पे अटैक किया था, तो मैंने इसको यहाँ पर सुला दिया था कि बेटा तू भी सो जा यहाँ पे। और देखो यहाँ से भी वो टावर साफ दिख रहा है। तो खैर अभी फटाफट से यहाँ पर मैं कंक्रीट वगैरह परचेज कर लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पर कंक्रीट, पहले मेटल परचेज कर लेते हैं। मेटल लगने वाला है शायद से, उसमें मेटल कितना लगने वाला था यार? यार मैं तो भूल भी गया, मेटल की यहाँ पर 10-15 प्लेट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बैलेंस ही नहीं है अपने पास। पहले मुझे बैलेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यार मैंने 7 बैग तो कंक्रीट के ऐड कर लिया है और 4 प्लेट मेटल की ऐड कर लिया, तो शायद इनमें अपना काम बन जाए। और पैसे भी यार खत्म से ही हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पर पैसे भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। वो सारा पोर्क वगैरह आज बेचना पड़ेगा। भालू वगैरह आ रहा है क्या? भाई भालू से डर लगता है यार। तो चलो अभी फटाफट से सारा सामान मैं अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ। वैसे यार इनमें अपना घर कंप्लीट हो जाए तो यार सही रहेगा, वरना दोबारा से आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान अपनी गाड़ी में रख लिया है, बस एक ये बैग बचा है, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है अभी फटाफट से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने रेंच में। ओके, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अपनी गाड़ी को यहीं पर साइड में लगा देते हैं, थोड़ी मैं आगे और कर लेता हूँ। ठीक है यहाँ पर, ठीक है फटाफट से उतरते हैं। और कंक्रीट में यहाँ पर पहले लगाने वाला हूँ, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। शायद से कंक्रीट मुझे और लाना पड़ेगा या फिर इसमें ही काम बन जाएगा, क्योंकि मैं 7 बैग लेकर आया था कंक्रीट के, और साथ में तो शायद से काम, अब यार 15 कंक्रीट और चाहिए। शायद से मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ है, खाने पानी का इनका फिल्टर बनाए थे तब यहाँ पर एक, हाँ ये रखा वो बैग। यार 5 ही है इसमें, तो मुझे 15 चाहिए। तो एक काम करते हैं फटाफट से हार्डवेयर स्टोर चलते हैं और एक कंक्रीट का बैग लेकर आते हैं। तो चलो यार मैं सारा सामान लेकर आ चुका हूँ फटाफट से। मेटल तो मैंने सारा लगा दिया था, लेकिन यार मैं 2 मेटल की प्लेट भी लेकर आ गया, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर लाइट वगैरह लगानी पड़ेगी तो मेटल काम आ जाएगा। ओके चलो यहाँ पर मैंने अपना घर तो बना दिया है। अच्छा तो यहाँ पर अभी 2 प्लैंक्स लगने वाले हैं, फटाफट से यहाँ पर 2 प्लैंक्स उठाओ और उसके बाद अपना घर कंप्लीट। अभी भी नहीं हुआ क्या? अभी क्या लगने वाला है अभी इसमें? मैंने सारी चीज़ें तो यहाँ पर लगा दी है, अभी क्या लगेगा? मैटर लगा दिया, कंक्रीट लगा दिया, अबे 64 एक प्लैंक्स कहाँ पर लगेगा? एक प्लैंक्स कहाँ पर लगने वाला है एक बारी देखा जाए तो पीछे की साइड में। अरे यहाँ पर तो कहीं पर नहीं लगेगा, ऊपर चल के देखता हूँ शायद से ऊपर लगेगा ये प्लैंक्स। ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी यार, कहीं पर भी ब्लूप्रिंट नहीं। ओ उधर की साइड में लगने वाला है ये वाला प्लैंक्स, यहाँ से मैं नहीं निकल सकता। इधर की ये पहले आ गई, ये ना घर में ही रहने वाली है, तो एक बारी मैं फटाफट से यहाँ पर लगाता हूँ प्लैंक्स, उसके बाद अपना घर कंप्लीट। अभी भी नहीं हुआ, अबे ये बकरी के चक्कर में तो नहीं हो? ओके, तो अपना घर कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एक काम करते, इधर इसका फ्रंट साइड किधर की साइड में है यार? ये मैंने गलत तो नहीं बना दिया? अबे हाँ इसका फ्रंट इधर की साइड में ही है। ठीक है तो ये रहा अपना घर, और घर में आते ही यहाँ पर एक स्टेयर्स है, और स्टेयर्स से यहाँ पर है अपना एक प्यारा सा रूम। भाई साहब कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं जिसमें हम आराम से सो सकते हैं। ये तकिया रख के कौन सोता है अपने सर पे? अबे मरना है क्या? ठीक है और एक अपना बेड ये रहा। तो अगर हम यहाँ पर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 आराम से सो सकते हैं। और फटाफट से एक बारी नीचे चल के देखता हूँ, नीचे की साइड से भी शायद से एक रूम है। ये अपनी यहाँ पर एक चेयर है, इस पर हम नहीं बैठ सकते क्या? यहाँ पर भी नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे अपना मस्त आराम से खाना वगैरह बना सकते हैं। और ये है शायद से स्टोरेज एरिया, तो यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत सामान हम रख सकते हैं, अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मीट बॉल वगैरह का और सॉसेज वगैरह का। और यहाँ पर भी एक गेट है तो यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। तो अभी फटाफट से इधर की साइड से, बकरी कहाँ पे चली गई? वो घर के अंदर ही होगी शायद से, या फिर बाहर निकल गई होगी। ये रही वो बकरी, अबे बाहर आ, हमारे घर में क्या कर रही है? यहाँ पर गंद मचाएगी तू। और ये है शायद से अपना टीवी वगैरह देखने का एरिया, तो यहाँ पर हम मस्त आराम से टीवी वगैरह देख सकते हैं। और ये क्या चल रहा है भाई? रियल एस्टेट। यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। चलो यार टीवी वगैरह बाद में देखेंगे, हटाओ इसको बंद करो, खामा खा के यहाँ पर दिमाग खराब कर रहा है। अभी फटाफट से बाहर की साइड में चलकर देखते हैं, इसको अपने घर को यहाँ पर बंद कर देते हैं। भाई घर तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है,
लेकिन यार कस्टम में अलग ही मजा आता है। तो अभी अपनी गाड़ी को मैं साइड में कर देता हूँ और ये बैग वगैरह मैं अपनी गाड़ी में ही रख लेता हूँ, क्योंकि बाद में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और यार एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पोर्क वगैरह बेच कर आते हैं, क्योंकि अपने पास पैसा ख़त्म हो चुका है और अपन को यहाँ पर पैसा थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पैसे वगैरह की ज़रूरत पता नहीं कब आ जाए यार। एक तो मैंने गाड़ी ना ठीक है, चलो अब यहाँ पर ठीक है। और अभी फटाफट से मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लेकर जाना चाहिए। भाई गाय भी काफ़ी सारी हो चुकी है और काफ़ी सारी यहाँ पर मर भी गई थी, तो मैंने वो स्किन वगैरह कर दी है और इनका मिल्क वगैरह निकालना पड़ेगा। बट यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक गाय का बड़ा सा फार्म हाउस बनाया जाए और उसमें एक एक यहाँ पर बांध सेल बनाई जाए जिनमें एक गाय रह सके, ताकि मैं दूध वगैरह आराम से निकाल सकूँ। क्योंकि यहाँ पर दूध एक का निकालता हूँ तो पता ही नहीं चलता मैंने किसका दूध निकाला है। और ये देखो यार कितना ज़्यादा बेकार हो चुका है, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इनको इकट्ठा वगैरह करने में। तो एक काम करते हैं फटाफट से ना, यहाँ पर कुछ पोर्क वगैरह रखा हुआ है तो इसको ही लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा हमें कलेक्ट हो जाएगा। ये वाला ट्रक लेकर मैं जाने वाला हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। ओके, वैसे अपने पास यहाँ पर दो तीन दूध की कैन भी रखी हुई है, तो कैन भी लेकर चलेंगे। शायद से दूध वगैरह का ऑफर चल रहा होगा तो हम दूध वगैरह बेच देंगे। तो अभी फटाफट से सारा पोर्क वगैरह मैं अपने ट्रक में रख लेता हूँ। अभी फटाफट से इसको मैं सेल करता हूँ, देखता हूँ इनका कितना प्राइस मिलने वाला है। ओके, तो हमें यहाँ पर $10,000 मिलने वाले हैं और इसमें काफ़ी सारा पोर्क है और काफ़ी सारा गोट का मीट है, तो इनको फटाफट से सेल करते हैं। अपने पास यहाँ पर $11,000 हो चुके हैं, तो इनमें अपना थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी यार फिर से इनको मुझे लगाना पड़ेगा, किसी डब्बे में बचा तो नहीं। ठीक है, सारे यहाँ पर हो चुके हैं खाली। ये देखो इसको मरना है भाई, इसको मरना है। तेरी ऐसी की तैसी बेटा, कहाँ जाएगा, बच गया। तो चलो यार मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी है, बट मैं वो बाद में कर दूंगा। बट अभी यहाँ पर देखते हैं, एक काम करते हैं यार, एक हॉर्स परचेस करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और अपने पास अभी पैसे भी है, अपने पास अभी $10,000 है, तो एक हॉर्स तो आ ही जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर ₹50 का टिकट है और ये वाला हॉर्स भाई यहाँ पर तो भीड़ भीड़ भी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये क्या बोल रहे हैं, अभी क्या सीन है, ये क्या बोल रहे हैं। खैर अभी मैं बढ़िया सा एक हॉर्स यहाँ पर देखता हूँ, इसकी स्पीड अच्छी नहीं है और इसकी हेल्थ वगैरह ठीक ठाक है, लेकिन स्टेमिना भी इसका थोड़ा बेकार है, हैंडलिंग इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, और ये वाला इसकी स्पीड अच्छी है और स्टैमिना इसका काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हैंडलिंग और हेल्थ इसकी बेकार है, तो इसको भी स्किप करते हैं। ओके, तो इसकी हैंडलिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत कम है, वरना ये वाला काफी ज्यादा बढ़िया रहता। देखते हैं, ये वाला इसकी हैंडलिंग यहाँ पर कम है और ये इसकी तो हैंडलिंग ही नहीं है भाई, ये तो बेकार चलेगा, इसको तो नहीं लेने वाला मैं। ये वाला इसकी स्पीड ठीक नहीं है, इसका इसकी हेल्थ भी नहीं है, लेकिन हैंडलिंग और स्टैमिना इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। एक बार ये अगला स्किप करके दे, ये तो बेकार है, इसकी तो स्पीड और हैंडलिंग दोनों ही बेकार है। ये वाला ये भी नहीं यार, ये भी नहीं, ये वाला इसकी तो स्पीड ही नहीं है। ओके, तो ये वाला यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और इसकी स्पीड और स्टैमिना और हैंडलिंग और हेल्थ सारी चीजें एकदम बढ़िया है। तो अभी मैं यहाँ पर बिड लगाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, 7,000 तक की बिड यहाँ पर पहुंच चुकी है भाई साहब, मुझे लग रहा है ये काफी ज्यादा महंगा बिकने वाला है। मैं लगाता हूँ आपकी बिड, ठीक है। ओके ओके, चलो गाइस अपना हॉर्स यहाँ पर हमें मिल चुका है, $7,191 पे ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। वैसे इसका कलर थोड़ा सा यार वैसा ही है, लेकिन घोड़ा काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। एक बार फटाफट से मैं इस पर बैठता हूँ और चलकर देखते हैं आखिर ये कितना ज्यादा तेज दौड़ने वाला है। ओके, वैसे यार घोड़ा तो काफी ज्यादा बढ़िया दौड़ रहा है और इसकी हैंडलिंग भी काफी सही है और इसकी हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर ट्रेंड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया दौड़ने लगेगा। तो चलो गाइस यहाँ पर हमने एक हॉर्स भी परचेस कर लिया है, तो अभी ना मैं इसको यहाँ पर ही रखने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर अपना खाने पाने का ठीक ठाक साधन भी है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ही इसको रख देता हूँ मुर्गी के बान हाउस में। ठीक है, थोड़ा आगे ले जाके इसको एक अच्छी सी जंप करानी होगी। ओके, तो अभी ये यहाँ पर आ चुका है और मस्त ये यहाँ पर आराम से खाना वाना खाता रहेगा। ठीक है, अभी मैं इससे उतरता हूँ।
भाई घोड़ा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड वगैरह स्टैमिना वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी एक काम करते हैं, इसका ना मैं यहाँ पर खाने का बना देता हूँ, क्योंकि क्या पता ये इसमें खाना खा पाए या फिर नहीं। तो चलो यार, मैंने इसके खाने पानी के फिल्टर यहाँ पर बना दिए है और यार इसका कुछ नाम भी रखेंगे, वो यार तुम मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आखिर इसका नाम क्या रखे। तो अभी काम करते हैं, इसको लेकर ना थोड़ा घूमने चलते हैं, अभी देखते हैं इसकी स्पीड वगैरह कैसी होने वाली है। इसको ना मैं थोड़ा दूर लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपना गेम लैग कर रहा है, मुझे यहाँ पर साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि ये अंडे वगैरह इतने ज़्यादा बिखर चुके हैं ना, उसकी वजह से अपना गेम यहाँ पर लैग कर रहा है। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। वैसे यार ये घोड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इसकी स्पीड वगैरह और स्टैमिना और इसका हेल्थ वगैरह ठीक ठाक ही है, बट मैं इसको जितना यहाँ पर ट्रेंड करता जाऊँगा उतना ही इसका स्टैमिना वगैरह और स्पीड वगैरह और ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।